इंडिया सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे भारत जापान के बीच होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास वीर गार्जियन के बारे में। ये युद्धाभ्यास रक्षा सहयोग को बढ़ाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त एयर ड्रिल एक्सरसाइज वीर गार्जियन होने वाला है। जापान के हायाकुरी एयरबेस में 2 सप्ताह तक चलने वाला ये संयुक्त एयर ड्रिल 12 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी को समाप्त होगा। अधिकारियों ने बताया कि अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में 4 Sukhoi 30 MKI लड़ाकू विमान, 2 Boeing C-70 Globemaster परिवहन विमान और 1 mid-air refueler शामिल होंगे। दूसरी ओर जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JASDF 4 Mitsubishi F-2 लड़ाकू विमानों और 4 McDonnell Douglas F-15 लड़ाकू विमानों के साथ भाग लेगा। भारतीय वायुसेना के अनुसार वीर गार्जियन अभ्यास लंबे समय से चले आ रहे दोस्ती को और मजबूत करेगा और दोनों वायुसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। गौरतलब है कि भारत और जापान के बीच ये पहला संयुक्त हवाई अभ्यास है। हालांकि दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ और क्वाड के 2 अन्य देशों के साथ कई संयुक्त अभ्यास किए हैं। आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी भी शामिल होंगी। विदेशी धरती पर होने वाले किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली अवनी चतुर्वेदी देश की पहली महिला पायलट होंगी। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी सुखोई 30 की पायलट हैं और जोधपुर से जाने वाले दल में शामिल हैं। वायुसेना ने कहा कि पहला संयुक्त अभ्यास दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है। ये अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों और घनिष्ठ रक्षा सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक और कदम होगा। सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्घाटन अभ्यास में दोनों वायुसेना के बीच विभिन्न प्रकार के हवाई लड़ाकू अभ्यास शामिल होंगे, जिसमें वे एक दूसरे के साथ जटिल वातावरण में बहु डोमेन हवाई लड़ाकू मिशन करेंगे और एक दूसरे के साथ अपने सर्वोत्तम अभ्यास साझा करेंगे। गौरतलब है कि ये संयुक्त अभ्यास भारत और जापान दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये ऐसे समय में होने वाला है जब चीन भारत की उत्तरी सीमाओं, दक्षिण चीन सागर और ताइवान के खिलाफ आक्रामक युद्धाभ्यास कर रहा है। गौरतलब है कि भारत की तरह जापान का भी चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है और इंडो पैसिफिक के अन्य देशों की तरह ये चीन के दक्षिण चीन सागर के दावों को मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा टोक्यो ताइवान के समर्थन में मुखर रहा है, जिसे चीन अपना क्षेत्र मानता है। हाल ही में उत्तराखंड में LAC के पास भारत और अमेरिका के बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास ने चीन को चिढ़ा दिया था। इस बीच ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बीजिंग भारत और जापान के बीच इस संयुक्त हवाई अभ्यास पर प्रतिक्रिया देता है या नहीं। अभी खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहे इंडिया सेंटिनल्स।